आपकी नाकामी है और वो हर मुद्दे पे आप नाकाम हो रहे हो। हमने आज सरकार की अर्थी निकाली थी, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको दबाया, उनपे लाठियां चलाई, उनपे गोलियां चलाई, तो हर मुद्दे पे सरकार इस तरीके से फैले, वो सलाह सूचन देती है, सूफियानी बातें करती है। जब आंदोलन सड़क पे उतरते तब पुलिस आ जाती है, पुलिस हमें डिटेन कर लेती है, हर बार पुलिस ईडी सीबीआई सबको आगे कर देती है। उसका तो एक ही है, झूठ बोलना और जोर से बोलना। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अहमदाबाद के रख्याल थाने के बाहर मौजूद हैं और एक बार सामने दिखाएं, ये तस्वीर है थाने के बाहर। तमाम ये IYC के कार्यकर्ता है जो कि आज बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और सामने स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख रहे होंगे किस तरीके से इनको डिटेन किया गया और डिटेन करके यहाँ फिलहाल थाने में लाया गया है। तो सभी से बातचीत करेंगे। जो ये गुजरात की भाजपा सरकार है जो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है, उसे जगाने के लिए एक कोशिश की थी और आने वाले दिनों में इसे ज़्यादा कार्यक्रम यूथ कांग्रेस देगी, सड़कों पे उतरेगी और ज्वलंत आंदोलन करेगी। अच्छा, ये लगता है कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, धरातल पर क्या देख रहे हैं? धरातल पे तो पूरी धरातल खाली है, जैसे कि मोदी जी ने पहले भी वादा किया था और ये 15 लाख का भी वादा किया था, हर बार लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, पर हकीकत गुजरात की है कि यहाँ पे हर साल जो भी कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होती है उसका हर पेपर फूट जाता है और इससे कई विद्यार्थियों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें निराशा छा जाती है और वो निराशा छाने के बाद डिप्रेशन में जब बंदा आ जाता है तब उसके पास एक ही चीज़ बचती है, आत्महत्या। और वही चीज़ ये गुजरात में हो रही है, आज के विद्यार्थी लोग हैं वो ये महंगाई और बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस इस बार सड़क पे उतरी है और इस बार यूथ कांग्रेस आने वाले इलेक्शन तक जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी और ज्वलंत से ज्वलंत आंदोलन भी करती रहेगी। युवाओं ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया फिलहाल और डिटेन किया गया, कितने संख्या में लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया? आज हम 150 से ज़्यादा संख्या में हमने आंदोलन किया और हमको 15 जो होद्देदार है यूथ कांग्रेस के उनको हमको डिटेन किया गया है। आज रोजगारी के मुद्दे पर भी आप देखो तो संसद के अंदर जो सवाल पूछे गए, कई करोड़ रोजगार के सामने पिछले 4 साल में सिर्फ 7 साल में सिर्फ 7 लाख रोजगार दिए गए, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा है, अभी जो आंकड़ा सामने जी अभी अभी जो आंकड़ा सामने आया है तो हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात है वो तो यहीं पर फेल हो रहा है कि वो करोड़ों की बात तो बहुत दूर की, वो लाखों में 10 लाख के पार भी नहीं जा पा रहे। सरकार कह रही है कि रोजगार सिर्फ वही नहीं होता, कोई ठेली लगाए, कोई पकौड़ा बेचे तो वो रोजगार नहीं है क्या? एक तो एग्जांपल उन्होंने दिया था। सरकार ऐसा बोल रही है कि अब कोई पकौड़ा बेचे, कोई थैला लगाए, आप देख रहे होगे जो बुलडोजर सरकार अभी चल रही है, अगर कोई थैला लगा रहा है तो बुलडोजर से उसका थैला गिरा दिया जा रहा है, रोजगार उसका गिरा दिया जा रहा है। आपने वो देखा होगा दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर चलाया गया मेरे भारत महान के ऊपर, आपने वो छूटे पैसे छोटे बच्चे को वो बिनते हुए देखा होगा। सरकार जो सलाह दे रही है रोजगार की वो भी सरकार खुद ही फेल कर रही है जी सर, वो भी सरकार फेल कर रही है। तो हर मुद्दे पर सरकार इस तरीके से फेल है, वो सलाह सूचन देती है, सूफियानी बातें करती है लेकिन उस पर अमल वो खुद ही नहीं करती है। कहीं भी कोई रोजगार नहीं है, चारों तरफ बेकारी है, आत्महत्या युवाओं को आज नहीं करनी पड़ती अगर सरकार रोजगार दे रही होती, किसान को आंदोलन पर नहीं बैठना पड़ता अगर किसान विरोधी कानून नहीं बने होते और सरकार बिल्कुल तानाशाह है। तमाम नेता कह रहे थे ना किसान का जो आंदोलन था वो प्लान था और उसमें जो है तमाम किसान प्लान थे, वो प्लान थे, बीजेपी ने मतलब अपने आप को मजबूत रखा, बीजेपी ने मतलब किसानों को बहुत लंबे वक्त तक आंदोलन करना पड़ा, तब तक उन्होंने कहा कि ठीक है ये सारे प्लान थे, लेकिन फिर मानना भी उन्हीं को पड़ा कि ठीक है हम कानून वापस लेंगे, तो क्यों माना अगर वो सब प्लान था? तो आप टिके रहते अपनी बात पे, आप तानाशाह हो इस वजह से आपने कई महीनों तक उनको बैठाए रखा, उनको उनके ऊपर जुल्म किया, उनको दबाया, उनपे लाठियां चलाई, उनपे गोलियां चलाई, गाड़ियां चढ़ाई उनके ऊपर, लेकिन जब आपने देखा कि भाई किसान नहीं मान रहा है, किसान नहीं उठ रहा है, तब आपको वही सारे कानून वापस लेने पड़े, तो ये आपकी नाकामी है और वो हर मुद्दे पे आप नाकाम हो रहे हो। हाँ। एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे आप कामयाब हुए, नोटबंदी का मुद्दा उठा के देख लो, नोटबंदी में भी लोगों की जान गई फिर आपने वो लागू किया, GST देख रहे हो आप, कई रोजगार बंद हो चुके हैं, छोटे व्यापार बंद होने से कम एक व्यापार के पीछे 8-10 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे। अब सरकारी सारी संस्थाओं को मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, एयरपोर्ट हमारा अदानी कह रहा है बेहतर करेंगे, प्राइवेट होगा तो जल्दी काम होगा, प्राइवेट होगा तो जल्दी काम होगा, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलेगी, ऐसे जल्दी काम होगा? आपने ये बोल के सरकार बनाई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, आपने ये बोल के सरकार बनाई थी कि गैस का बोतल जो 500 रुपये है ऐसी सरकार को हम वोट नहीं देंगे, आपने ये बोल के सरकार बनाई थी कि 70। गुजरात से ही आप लोगों ने भेजा ना, गुजरात से मोदी जी को भेजा, अमित शाह जी को भेजा जी, गुजरात से भेजा हमने, 28 साल से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है, 28 साल से गुजरात की जनता समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये विकास करेंगे, लेकिन 28 साल में कहीं समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये विकास करेंगे, 28 साल से ना गुजरात में विकास हुआ है। हाँ, एक मुद्दा इनके पास जो है वो
एक धर्म और जाति के नाम पे किसी को बचाने का, वो मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ विकास की बात आती है वो मुद्दों पे वो कहीं सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दों पे अगर चुनाव लड़ लें वो किस तरीके पर प्रोटेस्ट करेंगे? अभी प्रोटेस्ट किया गया, डिटेन भी किया गया, कब तक करेंगे? देखिए, हम लोगों ने पिछले जितने भी आंदोलन देखे हमने अच्छी तरीके से, हमको मालूम है, चाहे CA NRC का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, अग्निवीर के आंदोलन के अंदर तो चलो हिंसा हो गई, हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन कोई भी आंदोलन हो, अगर गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया है तो हम उस रास्ते पे जब तक उसका कोई सही तरीके से निकाल नहीं होता तब तक हम आंदोलन करेंगे। अग्निवीर का आंदोलन भी चला और बीच में जो है वो हिंसक जिस तरीके रूप ले लिया उस आंदोलन ने, क्या कहना? आंदोलन का समर्थन हम नहीं करते, वो आंदोलन अगर चलता तो वो भी काफी लंबा चलता। यूथ कांग्रेस भी बेरोजगारी को लेकर था और आप लोग भी बेरोजगारी का मुद्दा को लेकर है, लेकिन हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, इस वजह से उस आंदोलन को हम बेरोजगारी के तौर पे ही देख रहे हैं, हिंसा के तौर पे हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी आंदोलन हो, गांधी जिंदिया मार्ग पे वो लंबा चले, सरकार जब तक नहीं झुकती तब तक उनके सामने लड़ना चाहिए और हम तब तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे, 27 सालों से प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की मतलब सरकार है, तो जो वादे किए गए थे रोजगार एकदम खोखले वादे थे, जनता को गुमराह किए जाने वाली बात थी, और ये इसके सामने यूथ कांग्रेस का बहुत आक्रोश है और यूथ कांग्रेस हर बार इसके सामने लड़ती रहेगी। प्रदर्शन तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है वो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी कई दिनों तक प्रदर्शन चला था, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। रिजल्ट तो ऐसा है कि ये लोग हमें दबाने का प्रयत्न करते हैं, जब आंदोलन सड़क पे उतरते तब पुलिस आ जाती है, पुलिस हमें डिटेन कर लेती है, हर बार पुलिस ED CBI सबको आगे कर देती है, पर हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी, जब तक लोगों के काम पूरे नहीं होंगे, जब तक रोजगार नहीं आएगा, तब तक हम लोग सड़क पे ऐसे ही उतर के आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शन में 80 भी आपने सुनाई निकाली गई थी क्या? 80 भी निकाली गई थी। हाँ, अर्थी भी निकाली गई थी प्रदर्शन में, और अर्थी का हमने इसके लिए अर्थी निकाली थी क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, और ऊपर जो फेकू प्रधानमंत्री बैठा है उसका गुजरात मॉडल यहाँ पे एकदम फेल है। वहाँ के लोगों को यहाँ पे आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी बेरोजगार हैं और कितने युवा बेरोजगारी से अपने को अपना त्याग कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उसकी वजह से हमने आज सरकार की अर्थी निकाली थी बेरोजगार के लिए, क्या सरकार नाकाम है इस मुद्दे पर? 27 सालों से अगर कह रहे हैं नाकाम है तो कैसे बार बार सरकार? 27 साल से लोगों में, हम लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं और जब भी हम हमारी बात को लाने के लिए, जनता के बीच में लाने के लिए करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं पुलिस से दबाया जाता है, CRPF से दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं, ये सब प्रोसेस चल रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा काम किया है, मोदी सरकार कह रही है कि अब साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा भी उन्होंने किया, तो तमाम वादे किस तरीके देखते हैं? उसके तो सब मोदी के सब वादे झूठे ही होते हैं, उसका तो एक ही है, झूठ बोलना और जोर से बोलना, झूठ बोलना और जोर से बोलना। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर तो हम कर रहे हैं, वो कांग्रेस से बेहतर कर रहे होते तो एक भी ऐसी योजना बताए जो कांग्रेस खुद की नवी योजना हो, सब कांग्रेस की योजना पुरानी उठा के नाम बदल के योजनाएं बना रहे हैं, खुद की एक नई योजना बताए, खुद का एक नया विकल्प बताए। देखिए, ये आवाईसी के तमाम कार्यकर्ता हैं और दिल्ली से लेकर फिलहाल गुजरात में हम हैं और गुजरात में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और तस्वीर में देखिए किस तरीके से अर्थी निकाली गई है जो बेरोजगारी, और जिस तरीके से बेरोजगारी की वजह से तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? आप देख रहे हो ये गूंगी और बहरी सरकार, जब भी ये लोकशाही देश है और बंधारण में प्रावधान है कि अगर लोकशाही देश के अंदर कोई व्यक्ति उसका विरोध दर्शाना चाहता है तो उसको विरोध करना उसका वाजिब है, पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पुलिस परमिशन भी नहीं दी जा सकती है, ये लोकशाही देश की तरफ नहीं, अभी ये तानाशाह की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं भी ये हमारी बात नहीं रखने देते यहाँ पर, या कोई भी विद्यार्थी, आप देख रहे हो कि लास्ट में यहाँ पर जितनी भी एग्ज़ामें हुई, एग्ज़ाम में 15 से ज़्यादा पेपर फूट गए, तो जो लोग 3 साल 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग नर्वस हो रहे हैं और आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। और वो तक ऐसे प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन किया, डिटेन किया गया, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे तब तक युवा कांग्रेस रोड पे रहेगा और पूरी ताकत के साथ अपना प्रदर्शन दिखाएगा। ये तमाम IYC कार्यकर्ता हैं जो कि अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पीछे देखिए थाना है, थाने में अभी भी उनको डिटेन करके लाया गया है, ये तमाम कार्यकर्ता हैं, और तकरीबन 100 से 150 की संख्या में सभी लोग थे, बाकी के लोग जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर डिटेन होकर आए थे, तमाम लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार गुजरात से अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।